Hi, grade 4th. In previous class of English grammar, we had completed exercise F of chapter number 6, pronouns, right? Today, I'm starting with exercise G. Before that, we'll understand the rule of I or me. Matlab, ki hum I or me, dono word use karte hain, dono personal pronoun hain. लेकिन कई बार हम गलती करते हैं कि हमें आई यूज करना है या मी यूज करना है फर्स्ट. हम ये गलती करते हैं कि हम आई कहाँ यूज करें और मी कहाँ यूज करें. और दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हमें आई या मी कहाँ यूज करना है. मतलब कि अगर हमें पता भी है कि हम यह आई ही यूज करेंगे, हम यहाँ मी ही यूज करेंगे, बट देन टू वी आर मेकिंग मिस्टेक्स टू where to place these words, right? So today we will understand this ki I and me kahan use karna hai. I and me are personal pronouns of the first person. I or me personal pronoun ke first persons hai. They refer to the speaker. Wo speaker ko refer karte hai. Matlab wo hamesha ye batate hai ki main bol raha hoon ya main bol rahi hoon. Theek hai? They are placed later in the sentence if we are talking about another person and ourselves. ये बहुत ही important point है कि उसे हमेशा later मतलब बाद में, उसे हमेशा बाद में place किया जाता है. जब भी हम, अगर मैं सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ, I am a girl, it's always placed first. हमेशा पहले प्लेस किया जाता है. बट इफ आई से माई हस्बैंड एंड आई आर गोइंग टू मुंबई, तो आई हमेशा पीछे आता है, राइट? सेम वे में जब मी यूज होता है, मी हमेशा जब दो एक से ज्यादा लोगों की बात होती है और जिसमें आई वर्ड या मी वर्ड यूज होता है, इट्स ऑलवेज लेटर, उसको हमेशा पीछे की साइड यूज किया जाता है. रोनित एंड आई प्ले टेनिस, रोनित और मैं टेनिस खेल रहे हैं. डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ रोनित एंड मी, क्या आप रोनित और मेरे साथ खेलना चाहते हो? टू नो इफ यू हैव यूज आई एंड मी करेक्टली, लीव द अदर पर्सन नेम आउट एंड रीड द सेंटेंस. मतलब ये एक फॉरमोस्ट रूल है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आई या मी हमेशा बाद में यूज होता है. और एक रूल है, आई एंड मी करेक्टली यूज हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, कि जब भी आपको चेक करना है कि मैंने आई या मी दो में से जो भी वर्ड यूज किया है वो सही है कि नहीं, what you have to do is you have to leave other name aside and read the sentence. मतलब number one, रोनित and I play tennis. मतलब रोनित और I play tennis, ये sentence सही है कि नहीं मुझे अगर check करना है तो आप रोनित को side पे कर दीजिए और पढ़िए क्या है, I play tennis, मैं tennis खेल रहा हूँ, तो I play tennis sentence सही है. बट रोनित एंड मी प्ले टेनिस, ये सेंटेंस सही है कि नहीं मुझे अगर चेक करना है तो रोनित एंड को निकाल दो. मी प्ले टेनिस सेंटेंस सही लग रहा है? नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत है, राइट? नंबर टू, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ रोनित एंड मी, क्या तुम्हें रोनित और मेरे साथ खेलना है? सो इसमें क्या करना है, आपको रोनित निकाल देना है. रोनित एंड निकाल दोगे अगर तो आपको सेंटेंस सही है कि नहीं समझ में आ जाएगा. डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी, यस सेंटेंस सही है. डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ रोनित एंड आई, अगर वो सेंटेंस सही है कि नहीं मुझे चेक करना है तो डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ आई, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहो? इट्स आई. So this sentence is wrong. So this both sentence should be crossed, right? मतलब ये रूल में हमने दो इम्पोर्टेंट चीजें सीखी कि जब भी आई और मी का यूज आता है, आई एंड मी हमेशा पीछे की साइड आता है. एंड सेकेंड थिंग,
कि अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आता है तो जो भी वर्ड है उसको आप साइड हटा दो और फिर सेंटेंस पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस सही है कि नहीं. राइट, विद दिस आई स्टार्ट विद एक्सरसाइज सी. री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली. नंबर वन, द टीचर गेव द बुक्स टू मी एंड हजिंदर. मैंने आपको कहा था कि ये हमेशा पीछे की साइड आएगा. सो द करेक्ट आंसर इज द टीचर गेव द बुक्स टू हजिंदर एंड मी. नंबर टू, सोनिया आई एंड जगन आर गोइंग टू स्कूल. सोनिया आई एंड जगन, तो मैंने हमेशा कहा था कि आई एंड मी हमेशा लास्ट में आता है. सो द आंसर विल बी सोनिया, जगन एंड आई आर गोइंग टू स्कूल. हम तीनों स्कूल जा रहे हैं. नंबर थ्री, माई फादर बॉट आइसक्रीम फॉर मी एंड माई सिस्टर. फॉर मी, जैसे यहाँ पे रूल दिया हुआ है, इट शुड बी यूज लेटर. तो हम क्या करेंगे, माई सिस्टर एंड मी कर देंगे. सो माई फाइनल आंसर इज माई फादर बॉट एन आइसक्रीम फॉर माई सिस्टर एंड मी. डू यू वॉन्ट टू शेयर योर चॉकलेट विथ मी एंड विवेक. तो मी एंड विवेक में मी पीछे चला जाएगा. सो द आंसर विल बी डू यू वॉन्ट टू शेयर योर चॉकलेट विथ विवेक एंड मी. आई एंड यूकी लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स. सो जैसे मैंने कहा आई विल बी लेटर. सो यूकी एंड आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स. चार्ली मी एंड अजय. चार्ली मी एंड अजय आर गोइंग टू द फेयर टूगेदर. पर यहां मी नहीं आएगा, उसकी जगह आई आएगा और आई भी पीछे आएगा. सो द आंसर इज चार्ली, अजय एंड आई आर गोइंग टू द फेयर टूगेदर. परमप्रीत एंड मी मेड दिस केक फॉर यू. सो द आंसर इज मी की जगह आई यूज होगा. आई यूज दिस रूल, मैं ये रूल यूज करके बता रही हूँ. परमप्रीत एंड आई मेड दिस केक फॉर यू. कैसे समझ में आया, परमप्रीत एंड मी मेड दिस केक की जगह मी मेड दिस केक सही है? नहीं. आई मेड दिस केक सही है? Yes. So the answer is I made this cake. I and Sadaf go to the same school. So I पीछे आ जाएगा. Sadaf and I go to the same school. So hope this clear, right? And with this, I am completing this exercise. Exercise G आप textbook में complete करोगे. And इसी के साथ हमारा chapter भी खत्म होता है. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. एंड विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय फॉर द डे. बाय.